स्पोर्ट्स लाइव एपी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सचिन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी को 3 वेन्यू का प्रपोजल दिया है। ये 3 वेन्यू लाहौर, कराची और रावलपिंडी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है। हालांकि भारत टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की यात्रा करेगा या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी ने टूर्नामेंट के वेन्यू का ड्राफ्ट आईसीसी को सौंप दिया है। टूर्नामेंट के आयोजन अगले साल फरवरी मार्च में होना है। वनडे वर्ल्ड कप 1996 के बाद ये पहला मौका है जब पाकिस्तान को किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी दी जा रही है। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने लाहौर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में होने वाले मैचों का शेड्यूल भेज दिया है। आईसीसी की सिक्योरिटी टीम यहाँ आई थी और हमारी बहुत अच्छी मीटिंग भी हुई है। हम लगातार आईसीसी के संपर्क में बने हुए हैं। हम इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा टूर्नामेंट होस्ट करके दिखाएं। पिछले महीने एक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया था कि आईसीसी इसे एशिया कप की तरह हाइब्रिड मॉडल पर करा सकता है। आईसीसी के कार्यकारी बोर्ड के एक सूत्र ने पीटीआई से ये कहा था कि यदि भारत सरकार टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजना नहीं चाहती तो आईसीसी वहां के बोर्ड पर दबाव नहीं बना सकती है, उसे विकल्प भी तलाशना होगा। जहाँ पिछले साल भी एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को ही मिली थी, तब भी भारत के वहाँ नहीं जाने पर यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर हुआ था। भारत के मुकाबले श्रीलंका में कराए गए थे। कोलंबो में हुए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा करके चैंपियनशिप अपने नाम की थी। पिछला चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था। इसके फाइनल में भारत को हराकर पाकिस्तान चैंपियन बना था। टूर्नामेंट का शेड्यूल अभी नहीं आया है। माना यही जा रहा है कि आईसीसी के वेन्यू के निरीक्षण करने के बाद फाइनल शेड्यूल जो है वो सामने आ सकता है। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी और इसके 2 हफ्ते तक चलने की पूरी उम्मीद है। वहीं अब ये देखना होगा क्योंकि लगातार बातें इसको लेकर के हो रही है, लेकिन भारतीय सरकार और भारतीय क्रिकेट टीम इसको लेकर के पूरी तरीके से ये पहले ही कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। अब ये देखना है कि इस पर आगे क्या बड़ा कदम उठाया जाता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।